जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही YouTube चैनल जॉब्स फोरी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ UGC नेट एग्जामिनेशन जून 2021 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। UGC नेट का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना होगा आपको अपने घर बैठे अपने फ़ोन से, इसकी पूरी जानकारी मैं आगे इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप करके देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर। UGC नेट एग्जामिनेशन जून 2021 का फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज पर आ जाना होगा। इस पेज का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या अपने गूगल पर सर्च करेंगे www.alljobsforyou.com तो आप इसके पेज पर आ जाएंगे, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद कुछ ऐसा पेज आपको देखने को मिल जाएगा, स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, कैसे अप्लाई कर ऑनलाइन करना होगा यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फिल ऑनलाइन फॉर्म, उसके बाद अपलोड फोटो सेंसर अपलोड, उसके बाद एग्जामिनेशन फी, ये आपका प्रोसेस रहने वाला है अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का। जैसे नीचे आएंगे अप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा, UGC नेट एग्जामिनेशन जून 2021 रहने वाला है। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन का, तो आपको सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। और अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल करिए। तो चलिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके स्टेप बाई स्टेप करके दिखाता हूँ कैसे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद कुछ ऐसा पेज देखने को मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म इमेज, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी आपको पेमेंट करना होगा। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, एग्जामिनेशन आपका फ़ी डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, कैटेगरी, उसके बाद फ़ी अमाउंट, तो यहाँ पे जनरल EWS का 1000, और यहाँ पे OBC नॉन क्रिमिलियर का यहाँ पे 500 रुपया, उसके बाद यहाँ पे SC ST का 250, और यहाँ पे थर्ड जेंडर का यहाँ पे 250, और PWD का कोई फ़ी नहीं लगने वाला है, ये फी नॉन रिफंडेबल होगा। और यहाँ पे पूरी जानकारी दे रखा है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे इस बॉक्स को टिक करके क्लिक है टू प्रोसीड पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आप अगले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होकर आएगा, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा। अगर आप फोन से करेंगे तो कुछ ऐसा पेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना यहाँ पर नाम फिल करेंगे, उसके बाद फादर्स नेम आप यहाँ फिल करेंगे, उसके बाद मदर्स नेम आपको फिल करना होगा, उसके जस्ट नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना होगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो। तो यहाँ पे मंथ भी मैं फिल कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं अपना मंथ और अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लिया। मैं अपना जेंडर यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे अपना अपना जो भी एक एग्रीमेंट आईडी है, जो पहचान आईडी होता है, उसको आप यहाँ से एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। बहुत सारे पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, यहाँ पे राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, बैंक पासबुक, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, या कोई अदर गवर्नमेंट आईडी है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट आईडी का यहाँ पे नंबर लिखेंगे, उसके जस्ट नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपना एड्रेस फिल करना होगा, उसके बाद लोकेलिटी यहाँ पर फिल करेंगे, विलेज, पोस्ट जैसे लिखते हैं और टाउन जो भी लिखते हैं, अपना फुल एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट करना होगा, उसके जस्ट नीचे अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, तो मेरा ऊपर में होगा बिहार। उसके जस्ट नीचे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, बिहार में कहाँ से, मतलब जो भी आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद अपना पिन कोड यहाँ फिल करना होगा, उसके बाद जस्ट नीचे यहाँ पर लैंडलाइन नंबर दे रखा है तो आप फिल कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। उसके जस्ट नीचे आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना होगा, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना होगा, जो अभी एक्टिव हो, जो ईमेल आईडी एक्टिव हो, दोनों फिल करने के बाद उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सेम है टू परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों आपका सेम है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे क्लिक करेंगे ये सब आपका फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद आपको आना होगा नीचे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा चूज पासवर्ड पर, चूज पासवर्ड के नीचे आपको पासवर्ड यहाँ फिल करना होगा। पासवर्ड कैसा फिल करना होगा, आप अपना नाम डालिएगा, उसके बाद 123 ऐसे आपको पासवर्ड देना होगा, सेम नीचे वहीं पासवर्ड, अपना नाम 123 वही सेम पासवर्ड दोनों में। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ से एक सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पे आने के बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, जैसे स्कूल, फर्स्ट स्कूल का नाम है आप अगर सेलेक्ट करा है तो यहाँ पे स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे सिक्योरिटी पिन आपको देखने को मिलेगी, ये जो पिन है यहाँ पे फिल करके सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं सबमिट कर लेता हूँ, फिर आगे आपको फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड जैसे आपने सारा डाटा फिल करके जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा, आपका फॉर्म प्रीव्यू होकर आ रहा है, आपको इसको चेक कर लेंगे। चलिए मैं क्लोज करता हूँ, क्लोज करने के बाद मैं नीचे आ गया हूँ, मैं ऊपर करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद जो भी डेटा आपने फिल करा है सब आपको देखने को मिल जाएगा। मैं ऐड कर लूँगा अपने सिक्योरिटी के लिए, और यहाँ पे सारा डेटा मेरा सही है, तो मैं नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद मेरा नाम और डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, एड्रेस,
मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मेरा सब सही है, तो सर सभी बॉक्स पर मैं टिक कर लूँगा। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा, आपको सभी बॉक्स पे टिक करना होगा। उसके जस्ट नीचे आई एग्री पर क्लिक करके आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना होगा, आपको यस पे क्लिक करना होगा, आप सबमिट कर लेंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा और ये एप्लीकेशन नंबर आपके मेल पे भी चला जाएगा। मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ। उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से क्लिक करके आगे अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे, या फ्रेंड्स आप यहाँ से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। चलिए मैं एक बार यहाँ पर व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करता हूँ। अब मैं अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से चेक कर लूँगा। उसके बाद मैं होम पे क्लिक करता हूँ और फॉर्म फिल करने के लिए आपको आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा और यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आप अगले पेज पे आ जाएंगे और ये आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर आने के बाद जो भी आपने डेटा फिल करा, नाम फिल करा, सब आपको देखने को मिल जाएगा। मैं हाइड कर लूँगा ये सब अपने सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद नेशनलिटी आपको यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करना होगा, मैंने पहले भी सेलेक्ट कर रखा है। कैटेगरी आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, क्या कैटेगरी आपका रहने वाला है। तो मैं यहाँ से कैटेगरी जनरल ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे पीडब्ल्यूडी है तो यस या नो कर सकते हैं, अगर है तो यस करेंगे। यस करने के बाद और भी नीचे आपको यहाँ पर डेटा सब फिल करना होगा। अगर आप नहीं हैं पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकली हैंडीकेप, तो आपको सिंपली नो करना होगा और 40% से अधिक होना चाहिए। तो जैसे मैंने यस किया तो यहाँ पर मैं अपना टाइप सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद जस्ट उसके नीचे आपको यहाँ पर और भी देखने को मिल जाएगा टाइप, आपको ही सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, जो भी हो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, मतलब ज़्यादा है या कम है, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको और भी यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ये सब आप फिल कर लीजिए। अगर आप नहीं है डिसेबिलिटी मतलब आप फिजिकली हैंडीकेप नहीं है, तो आपको सिंपली यहाँ पर नो करना होगा और नो करने के बाद ये सब आपको डेटा फिल नहीं करना होगा। यस करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर आगे सब फिल करना होगा, उसके बाद ये सब आपको नो कर लेना होगा। उसके बाद आगे आपको देखने को मिल जाएगा आर यू डायबिटिक, तो आपको यहाँ पे ये आपको यस या नो कर लेना होगा, मैं नो कर लूँगा। उसके बाद अप्लाई फॉर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कौन से ऑप्शन से आप अप्लाई करेंगे, जिससे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ से वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद नीट का सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। तो मैं ये एक सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे ही आपको फॉर्म फिल करके दिखाने के लिए। आपको अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा अपना जो भी आपका सब्जेक्ट हो। उसके जस्ट नीचे स्पेशलाइजेशन आपको फिल करना होगा, यहाँ पे जो भी हो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे आपको मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, अपने क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना होगा, इंग्लिश या हिंदी जो भी हो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना ये स्टेट सेलेक्ट करें, कौन से स्टेट में आप देना चाहते हैं, पहला जो आपका एग्ज़ाम सिटी रहने वाला है। तो ये मैंने पहला अपना एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से ले लूँगा पहला पटना में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं दूसरा यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ बिहार में ही, आप चाहे दूसरे स्टेट में भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास में है। तो मैं पहला पटना कर लिया, दूसरा यहाँ पर मुजफ्फरपुर कर लेता हूँ, तीसरा मैं यहाँ से एक और सेलेक्ट करता हूँ बिहार में ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से अपना तीसरा सेलेक्ट कर लूँगा, मैं यहाँ पर अपना एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तीसरा मैं कर लेता हूँ दरभंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से चौथा सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आगे आपको ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिल करना होगा। सबसे पहले पास है या पेरिंग है, तो मैं पास हूँ तो मैं पास पर फिल कर लूँगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पासिंग ईयर नीचे आपको फिल करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले आप अपना पासिंग ईयर फिल करेंगे, आपने कब पास करा था अपना ग्रेजुएशन। तो मैं 2020 कर लेता हूँ, 2021 कर लेता हूँ। उसके जस्ट नीचे आपको अपना कोर्स या स्ट्रीम नेम फिल करना होगा, आपने ग्रेजुएशन किससे करा है, ये बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, अगर अदर है इसमें से कुछ अलग है तो आप अलग यहाँ अलग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन यहाँ पे फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, फ्रॉम मतलब कहाँ से आपने पास करा है, मेरा इंडिया है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नेम यहाँ से नीचे सेलेक्ट करना होगा, तो मैं यहाँ से अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकता हूँ, कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, इसमें आपको सेलेक्ट करने में दिक्कत होगा, एक एक करके आपको सही से पिक करना होगा इसमें से। तो यहाँ पे मैंने अपना इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी ने मैं यहाँ फिल कर लिया। उसके बाद रिजल्ट मोड आपको परसेंटेज में देना चाहते हैं, CGPA में देना चाहते हैं, मैं परसेंटेज यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन ये सब आपको नहीं फिल करना होगा, ये सब करने के बाद उसके बाद यहाँ पे
आपको टोटल मार्क्स फिल करना होगा, टोटल कितने मार्क्स हैं आपको यहाँ पे फिल कर लेना, टोटल सॉरी टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना होगा, कितने मार्क्स आपको मिले थे, टोटल कितने मार्क्स का था आपका पेपर, उसके बाद कितने मार्क्स आपको मिले थे, उसके बाद यहाँ पे आपका परसेंटेज आ जाएगा। उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन डेट यहाँ फिल करेंगे, इंस्टीट्यूट नेम या नेम एंड एड्रेस, इंस्टीट्यूट का नाम और एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके जस्ट नीचे इंस्टीट्यूट का पिन कोड आपको फिल करना होगा। ग्रेजुएशन का सारा डाटा फिल कर लिया, उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का देखने को मिलेगा, तो सेम वैसे ही फिल करना होगा। सबसे पहले अपना स्टेटस फिल करना होगा, पास है या अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ये फिल करने के बाद सिंपली आपको नीचे पासिंग ईयर सब कोर्स नेम ये सब आपको फिल करना होगा, उसके जस्ट नीचे अपना रिजल्ट, उसके बाद यहाँ पे अपना एडमिशन डेट, कब एडमिशन लिया था, इंस्टीट्यूट नेम, एड्रेस, पिन कोड ये सब फिल करने के बाद आपको नीचे आना होगा। उसके बाद डॉक्टरेट डिटेल्स आपको फिल करना होगा, अगर आप ऑलरेडी हैं तो यस या नो कर सकते हैं, मैं नहीं हूँ नो कर लूँगा। उसके बाद स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, जो भी आपके पास स्पेशलाइजेशन हो वही यहाँ पे आपको फिल मतलब टाइप कर लेना होगा, कोई सेलेक्ट नहीं करना होगा जो भी हो। उसके बाद मिलिट्री कमेंट्री से बिलोंग करते हैं तो यस या नो कर सकते हैं, मैं नो कर लूँगा। उसके बाद नीचे आपको ये जो कैप्चा पिन दिख रहा है यहाँ पे फिल करके सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। तो सारा डाटा फिल करने के बाद जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो फॉर्म है प्रीव्यू होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको सिंपली क्लोज पे क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये आपका फॉर्म प्रीव्यू होकर आएगा, जो भी डेट आपने फॉर्म फिल जो भी डेट आपने फिल कर सब देखने को मिल जाएगा। एक बार आपको चेक करना होगा, चेक करने के बाद आपको नीचे आना होगा, मदर्स आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, उसके बाद यहाँ पे ये सब आपको फिल कर लेना होगा, सारा टिक कर लेना होगा, क्वालिफिकेशन ये सब टिक करने के बाद आईग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक करके यस पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे ये भी जो डेटा है फिल हो जाएगा, फिल होने के बाद अगले पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको नीचे आना हुआ तो ये आपका दो स्टेप सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाले पे आ जाएंगे, अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अपलोड करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, उसके नीचे आपको सिग्नेचर, उसके बाद जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो या पीडब्ल्यूडी से अप्लाई किया हो तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट हो ये अपलोड करना होगा। ये सब में नहीं आएगा, जो पीडब्ल्यूडी से अप्लाई करेंगे उसी में आएगा, और बाकी लोगों का ये दोनों अपलोड करना होगा। तो फ्रेंड जैसे मुझे ये फोटो अपलोड करना होगा तो मैं इस फोटो पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको आना होगा, नीचे आने के बाद अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, या आपको ओरिजिनल फोटो अपलोड करना होगा तो अपलोड ओरिजिनल पे आपको क्लिक करना होगा, यह फोटो अपलोड हो जाएगा, सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा आपका, जो भी डेटा अपलोड होने के बाद ये सब यहाँ पर आपको ये आने के बाद आपको सिंपली ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड पर आपको क्लिक करना होगा। तो मेरा ईमेल सक्सेसफुली अपलोड हो गया क्योंकि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया था और यहाँ पर अपलोडेड दिखाने लगा। चलिए मैं अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर लेता हूँ, सिग्नेचर यहाँ पे अपडेट कर लिया और अपडेट यहाँ पे अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, उसके बाद मैं अपलोड पर क्लिक करूँगा, ये अपलोड होगा। चलिए अपलोड करके सबमिट करके आपको दिखा देता हूँ। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सिग्नेचर पिन देखने को मिलेगा, ये जो कैप्चा है आप फिल कर सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने फिल कर लिया, सिंपली मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा, मैं सबमिट करना चाहता हूँ यस पर मैं क्लिक करूँगा और मेरा डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स अगला जो स्टेप आपका रहने वाला है वो अप्लीकेशन फ़ी का रहने वाला है, लेकिन मेरा अप्लीकेशन पेमेंट यहाँ पर फ्री है क्योंकि मैंने पीडब्ल्यूडी से अप्लाई किया था आपको बताने के लिए कैसे आपको अपना अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी नहीं कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे फिर से पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली यहाँ पे फी पर क्लिक करेंगे, उसके बाद पे फी पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा। तो मैंने पीडब्ल्यूडी से अप्लाई करा इसलिए मेरा फाइनल सबमिट यहाँ पर हो गया है। ऐसे यहाँ करके आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा, फॉर्म फिल करते वक्त कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं।